सत श्री अकाल जी। किताब सुखन सुनेहे, लेखक दरिंद्र सिंह कपूर। इसका तीजा लेख सुक गए दरियावां दे पानी। हुण अस्थियां भी जल प्रवाह करन वास्ते पानी नहीं रहा। साडे दरियावां विच उदास अखां दे हंजुआं जिन्ना पानी रह गया है। इस करके राधा निराश है, रुकमणी उदास है अते कृष्ण परेशान है। रांझा किसी दफ्तर विच दिहाड़ीदार वांग बैठा है। ममटी ते कां बोलण नाल हुण परौणे नहीं, आफतां आउंदियां हन। सो अग वर्गे जग अंदर हुण फुल बन के जीना संभव नहीं रहा। हुण महीवाल नहीं कहिंदा कि सोहणी उस दे संसार विच वगदी इको एक नदी सी। निश्चय ही असी अजोके युग विच तिहाई रेत वाला अते सहक ते पंछी वाला जीवन जिउ रहे हां। ज्यों ज्यों साढ़े मना अंदर दबिया हुई कालिया भावनावां दे मैले दरियावां दे पाट वड्डे हुंदे जा रहे हन, त्यों त्यों बाहर वगदे दरिया साढ़े तो दूर हुंदे जा रहे हन। हुण जदों किसी दरिया उत्तों गड्डी लंघदी है तां वगदे पिता पाणिया दे दीदार नहीं हुंदे। रेत दे एक विशाल भयानक मारूथल विच वगदे पाणी दी करलौंदी एक लीक ही विखाई दिंदी है। साढ़े दरिया इतने पेतले हो गए हैं कि रेत दिसदी है। उंज तां कोका कोले दे इस दौर विच हर बंदा प्यासा है, पर कदे नहीं सी सोचिया कि साढ़े दरिया भी एक दिन सुक जाणगे अते लोरियां तो वैणा दा फासला अते चुल्हियां तो शमशान तक दी यात्रा इतनी सुंगड़ जावेगी। साड़ी हिक विच मौत ने आलना पा लिया है। साढ़े साह निक्के अते होके लम्मे हो गए हैं। साढ़े सुपनियां नूं हिचकी लग गई है। जदों तो साडा समाज होंद विच आया है, उदों तो ही साढ़े घरां विच पानी लियाउणा, सांभणा अते वरतौणा साढ़े बच्चियां दियां दादियां दी जिम्मेवारी रही है। ओह पानी इंज पलाउंदियां सन जिवें असीस दे रहियां होण। साढ़े बच्चियां दियां मावां नूं पानी दे पक्खों कुझ सहूलत मिली है, पर साडियां धीआं नूं पानी दी थुड़ दा निरंतर सामना करना पवेगा। पानी दी थुड़ शहरां दे मुकाबले पिंडां विच अते गुसलखानियां अते रसोईयां दे मुकाबले खेतां अते बागां विच वधेरे शिद्दत भरी उदासी नाल महसूस कीती जा रही है। मनुखी सभ्यता दा विकास उन्हां थावां ते ही संभव होया है जिथे पानी अते सुखावें पौण पानी दी सहूलत सी। विश्व दे सारे पुराने शहर दरियावां झीलां झरनियां आदि दे नेड़े स्थित रहे हन। जदों मनुख ने धरती हेठ पानी लभ लिया तां ही उह दरियावां तो दूर समुंदरी किनारियां तो परे पिंडां कस्बियां विच रहण दे योग होया। लखां सालां दे अपने इतिहास विच मनुख ने पानी प्रवाह विच कोई विघन नहीं पाया, सो उह अपने जीवन नूं पानी दे प्रवाह अनुसार ढालदा रहा है अते पानी दे स्रोतां नाल अपने जीवन नूं एकसुर करदा रहा है। भारतीयां कोल प्रकिरती दा संकल्प मां वाला है, जिस दी गोद विच मानव जाति अते जीव जंतु जगत वसदा रहा है। ज्यों ज्यों मनुख पीण वाले पानी नूं साफ करदा गया है, त्यों त्यों उस दी उम्र दे वरे वधदे गए हन। क्योंकि मनुख ने कदी पानी दे प्रवाह विच विघन नहीं सी पाया, सो उस नूं गंभीर सोके अते भयानक हड़ां दी मार भी नहीं सी झलणी पई। पानी नूं सांभण अते वरतौण दी जिम्मेवारी सदा इस्त्री दी रही है, सो इस्त्री नाल प्रकृति दा संबंध सदा मां धी वाला रहा है। इस्त्री अते प्रकृति दे सुभाव विच सांझ है, पर हुण इह सांझ टुट गई है। भावें हुण भी जदों पानी दी थुड़ उपजदी है तां सब तों पहलां इस्त्री नूं ही चिंता लगदी है, पर कोई हल दिखाई ना देण कारण उस दी परेशानी वधदी जा रही है। इह परेशानी चिंता दा विशा है, क्योंकि इस नाल इस्त्री दी सेहत अते मानसिक स्थिति दोवें बड़ी नेड़ियों प्रभावित हुंदियां हन। हुण पानी दी थुड़ नूं दूर करन दा हर ढंग साधन अते वसीला कुझ चिर लई ही सहायक होवेगा अते कुझ चिर मगरों थुड़ पहलां नालों भी वधेरे गंभीर हुंदी जावेगी। हुण तां चिरा पूंजी भी प्यासा है, हुण तां झरने भी उदास हन, हुण तां झीलां भी विधवा हो गईयां हन, हुण तां पिंडां दे छप्पड़ भी डराउणे लगण लग पए हन। हुण तां इंज प्रतीत होण लग पिया है जिवें नीर अपने सोमियां वल वापस मुड़ गए होण। साडी इकलाकी शक्ति साडी खुराक दी किस्म अते पाणी दी उपलब्धि उत्ते निर्भर करदी है। जदों सानू इह पता नहीं लगेगा कि साडी खुराक कित्थे उपजदी है अते साडे पाणी दा स्रोत की है,
ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਲਾਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜ ਦੂਰੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਰੇ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੂਰੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਸੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝੂਲ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਲਾਭ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਝਗੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਦਿ ਵਧਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਂਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਾੜ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਸਾਰਾ ਵਰ੍ਹਾ ਵਗਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦਾ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੇਜ਼, ਬਾਰੀਆਂ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਦਰਖਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਘੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਦਰਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਿਤਾ ਦੇ ਬਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਭਗੌੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਸ ਦਰਖਤ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਸ ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੂਸ ਕੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਰਖਤ ਤਿਹਾਏ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਂਗ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰਨਗੇ। ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਵਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਖ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਪੀਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੀ ਸਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਤੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੁਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਲੋਅ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਨਹਾਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਖੇਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਲ ਦੀ ਪਰੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਘੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
घर ठहरे मेहमान की सब तो वड्डी सेवा यह होगी कि उसनू नहाउण लई अद्धी बाल्टी पानी वध मिलेगा। हुण घरां विच गुसलखाने भी कई मंजिलां वाले होणगे तां कि सब तो उपरली मंजिल ते नहाउण वाले का पानी हेठली मंजिल वाला वरत सके। पानी की घाट कारण मालक मकाना अते किराएदारां विचकार संबंध सुखावें रहण दीआं सारीआं संभावनावां मुक जाणगीआं। हुण मेहमानां नूं पुछिआ जाया करेगा पानी तो सवाए तुहाडी की सेवा करिए। निरसंदेह लोग पानी नूं घिओ वांग वरतणगे। उपरोतक सारे वेरवे भविख विच सामने नहीं आने अनेक थावां ते हुण भी वेखे जा सकते हैं। विशाल दृष्टि नाल वेख्या जाए तो हर डैम अते नहर उजाले का सुनेहा हुंदी है। कुछ चिर लई अफसरां ठेकेदारां राजसी नेतावां अते कुछ किसानां नूं लाभ पहुँचेगा पर समुचे रूप विच नुकसान होवेगा। नहरां दा पानी अपने नाल लूण रोड़ के लै आउंदा है। इस लूण नूं रोड़न लई होर पानी दी लोड़ पवेगी अते इवें होर लूण आवेगा अते अंत नूं धरती बंजर हो जाएगी। डैमां नहरां नेड़े सेम दी समस्या उपजेगी जिहड़ी धरती नूं उपजाऊ अते वाही योग नहीं रहण देवेगी। अंत विच जदों हिसाब किताब कीता जाएगा तां किसान डैम नहर बनन तो पहले दी स्थिति नालों वधेरे गरीब अते वधेरे उदास होवेगा। मारूथल पसर रहा है पर स्वार्थ अधीन इस नूं सोका कहा जा रहा है। सिंचाई सकीमां अंत विच तबाही सकीमां कहाउणगीआं। कारण यह है कि डैमां नहरां नाल मनुख पानी नूं उन्हां थावां ते लै जा रहा है जिथे प्रकृति नहीं लै के जाना चाहुंदी। जिथे जिद करके पानी ले जाया जा रहा है उत्थे धरती विच पानी पीण दी समर्था तां है पर उस धरती विच पानी नूं सांभण अते हौली हौली प्रदान करन दी उक्का कोई समर्था नहीं। बन मार के दरियावां दीआं आंतड़ियां विच पानी रसाउण दी समर्था खो ली गई है अते दरिया सुक गए हन। इवें पानी नूं उस दे सुभाविक अते सहज प्रवाह तों निखेड़ के उन्हां थावां ते डोलिया जा रहा है जिथों होर पानी उपजण दी कोई समर्था नहीं। डूंगे अते वड्डे ट्यूबवैल धरती विचों पानी नूं डीक ला के पीण कारण कुछ महीनों विच ही निकारे साबित हो रहे हैं। दूजे शब्दों विच धरती विच उतना पानी जा नहीं रहा जितना इस विचों कढ़िया जा रहा है। इस कारण करके पानी की सतह थले हुंदी जा रही है। प्रकृति ने कदी नहीं सी चाहिया कि मनुख वड्डे वड्डे शहरां विच रहे जिथे लखां दी गिणती विच आबादी पानी नूं व्यर्थ गवाउण विच लगी हुई है। साफ सफाई दा जिहड़ा फ्लश वाला ढंग तरीका अते धोआ धोआई लई वधेरे झग वाला जिहड़ा ढंग असीं अपना लिया है ओह पानी दे पक्खों इतना खर्चीला अते महंगा है कि साडा वर्तमान अते भविख दोवें ग्रहणे जा रहे हन। पानी की घाट नाल उपजन वालियां शरीरक समाजिक अते मानसिक समस्यावां वल अजे किसी का ध्यान नहीं गया परंतु इन्हां समस्यावां प्रति अवेसले होना मनुख लई असंभव हो जाएगा। भारत विच पानी का प्रबंध सदा ही इस्तरी करती रही है पर यूरप विच इह जिम्मेवारी पुरश की रही है। प्रकृति उपर काबू पाउण दी भटकण दा शिकार यूरोपियन पुरश वड्डे वड्डे डैम उसार के अपने आप नूं शाबाश दिंदा रहा है पर भारत विच यूरोपियन विधि नाल उसारे गए डैम वेखण नूं जरूर सोहणे लगदे हन पर इन्हां तों होण वाली हानि प्रति असीं जागरूक नहीं हां। साडे देश दी वधदी आबादी ने भी इह समस्या गुंझलदार बनाई है पर केवल आबादी इस समस्या लई जिम्मेवार नहीं है। भारत विच नदियां अते दरिया सदा ही पवित्र मन्ने जांदे रहे हन अते दरियावां दे नाम ही गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नर्मदा सरस्वती आदि इस्त्री देवियां दे नामां नाल जुड़े हुए हन। भारत विच दरिया केवल ब्रह्मपुत्र है बाकी सब नदियां हन। भारत विच सदा ही दरियावां प्रति भावना सत्कार वाली रही है। साडी समस्या असल विच इह है कि असीं पुरश दे मुनाफा कमाउण दे दृष्टिकोण करके मीं नूं उत्साह देण वाले पहाड़ी जंगलां नूं कंगाल कर दिता है अते झटपट अमीर होण वाली बिरती अधीन पानी चूसण वालियां फसलां बूटियां आदि राहीं अपना सारा पानी इतनी तेजी नाल वरत लिया है कि पानी दे लगभग सारे स्रोत सुक गए हन। पानी प्रबंध विचों परउपकारी इस्त्री दृष्टि नूं खारज करके मुनाफाखोर स्वार्थी पुरश दृष्टि नूं खुले खेडण दी आग्या दे के असीं अपनी होंद नूं ही खतरे विच पा दिता है। हुण ओह समां कदे नहीं आवेगा जदों कटोरा लभण उत्ते कोई पानी पी पी आफर जावेगा। हुण सानूं अपने अखाण मुहावरे बदलने पैणगे।
क्योंकि हुण प्रकिरति वल मनुख दा मूह नहीं उसकी पिट है, सो प्रकिरति भी मनुख वल पिट करके खलो गई है। अतीत विच साडे दरिया भर के शान नाल वगदे सन अते मनुखां दा सुभाव ही दरियावां वाला सी। उदों संत भगत जां गुरु की समाजिक जिंदगी उत्ते बख्शिश इतनी वड्डी हुंदी सी कि खाली थावां भी भरियां होईयां लगदियां सन। रिशियां मुनियां वांग पानी भी जिथे जिथे जांदा सी उत्थे उत्थे बहार गुलजार प्रगट हुंदी जांदी सी। पानी की मात्रा वधाई नहीं जा सकती, घटाई जा सकती है। पानी की दुरवरतों इसकी मात्रा नूं निरंतर घटा रही है। हर दरिया की अपनी शख्सियत अते सुभाव हुंदा है, हर दरिया का अपना इतिहास अते मुहावरा हुंदा है, पर मनुख इन्हां पक्खां तों बेमुख हो के दरियावां नाल गुस्ताखी कर रहा है। डैम शहरियां नूं लाभ पहुँचाउण दी दृष्टि नाल उसारे जा रहे हन, सो पेंडुआं दा लुटिया जाना सुभाविक है। इवें उपजी पानी दी घाट अशांति चिंता गुस्से अते हिंसक लहरां विच प्रगट हो रही है। पिंडां विच पानी दी घाट नाल बेरोजगारी दे वधण कारण लोकां दीआं शहरां वल वहीरां वड्डियां हुंदियां जाणगियां अते शहरां विच पानी दी थुड़ होर गंभीर हुंदी जावेगी, जिहड़ी आपसी रिश्तियां विच तणाओ अते दुश्मनियां अते नवीआं बीमारियां सिरजेगी। गुआंढी राजां विचकार इह तणाओ उभरन लग पिआ है। पानी दी घाट कारण पहाड़ अते जंगल उपजीविका दा साधन नहीं रहे, इस लई चोरियां डाके खूहां अते पहाड़ा ला के कीते अते करवाए कतल उपजीविका दे नवें साधन बणनगे। प्यासा व्यक्ति संतुलित सोच दा मालिक किवें हो सकदा है? प्यासे व्यक्ति बाहर खाण पीण वल उलरणगे अते मावां सुकियां रसोईयां विच पाणी लई रोंदे बच्चियां नूं प्रचार ना सकण कारण आप भी रोण लग पिआ करनगियां। बोतल विच्चों पीते पाणी नाल प्यास नहीं बुझेगी। गर्मी जां भुख दे मुकाबले हुण प्यास नाल मौतां दी गिणती वधेगी। पुरश दी प्रकिरति दे विरुद्ध जाण वाली हर कारवाई अंतले रूप विच समाज परिवार इस्त्रियां अते बच्चियां दे विरुद्ध कीती शोषण हिंसा अते अपराध दी कारवाई सब तों वी। विज्ञान टेक्नोलॉजी आर्थिकता अते राजनीति आदि दे प्रभावां अधीन मनुखी कार्ज दा हर खेतर प्रकिरति अते इस्त्री उत्ते बोझ पाउण, उसनूं शरीरक अते भावक पक्खों लुट्टण अते उसदे महत्व नूं घटाउण वाला हो निपटदा है। मनुख दे सामने विकास दा माडल शोषण आधारित है, सो उह प्रकिरति नूं वपारक बिरती अते शोषण दी भावना नाल ही वेखदा है। पीण वाले पानी की सभनी थाई घाट कारण मनुख दे विहार विच स्वार्थ संकरीणता ईरखा अते साड़ा उपज रहे हन। पानी लई आपाधापी विच बुढ़े बच्चे अते इस्त्रियां रुल जाणगियां। थुड़ दा अपना हिंसक तर्क हुंदा है अते इह तर्क मनुखी विहार नूं बड़ी नेड़ियों प्रभावित कर रहा है। पानी जिंदगी नूं जीवन योग ही नहीं बणाउंदा, इह प्रकिरति नाल प्यार वाला विहार करना भी सिखाउंदा है अते मानव जाति दे डिगदे जांदे मनोबल नूं उच्चा चुकण दा रोल भी निभाउंदा है। मनुख खोटे सिक्कियां नूं ही दौलत समझ के दरियावां झीलां पहाड़ां खेतां जंगलां आदि दी दौलत तों बेमुख हो गया है। चिंता इस गल दी करनी चाहीदी है कि प्रकिरति दे हुंगारे बिना मनुख जिउंदा किवें रहेगा। साडियां दादियां अते मावां दीआं कहानियां विच कथावां अते लोरियां विच दरियावां अते पाणियां दी भरपूर महिमा सी। अजोका मनुख दरियावां दीआं समाधां उत्ते सुक्के गलियां प्यासियां नज़रां अते टुट्टे हत्थां नाल वैण पा रहा है। हर बीतदे वरे नाल इह वैण होर उच्चे होर दर्दीले हुंदे जा रहे हन। मनुख बड़ी थां भटकेगा भटकदा रहेगा, पर उसदी मुक्ति प्रकिरति दे द्वार ते आके ही होगी। उत्थे ही उसदी सदीवी प्यास बुझेगी। अंत नूं मनुख पानी दे स्रोतां वल मुड़न लई मजबूर होवेगा, पर उदों तक बहुत नुकसान हो चुका होवेगा। सो इस दे नाल ही इह लेख भी खत्म हुंदा है। फिर मिलदे हां अगले लेख नाल। धन्नवाद।